मामला था, मेरा गाड़ी जो है बालू लोड पकड़ाया हुआ था, तो वहाँ से डायरी नहीं भेज रहा था। तो डायरी भेजने के लिए जब बोले, थाना में गए डायरी भेजने के लिए, बोले तो 15,000 का मांग किया। हम बोले, रिक्वेस्ट किए कि सर हम इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। तो क्या हुआ ठीक, उसके बाद फिर आपको उसके बाद हम कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद 10,000 रुपये। एसीबी थाना को शिकायत मिला था, टुंडी थाना क्षेत्र के सरदाम हुसैन दादी टुंडी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा शिकायत दिया दर्ज कराया गया था कि उनका एक ट्रैक्टर था जो टुंडी थाना में अवैध बालू लदा हुआ ट्रैक्टर, जिस संबंध में टुंडी थाना काउंट संख्या 3323 दर्ज हुआ था। उस केस का अनुसंधानकर्ता श्री नारायण राम मोची थे, जिनके द्वारा उस केस के काम दैन की तथा रिपोर्ट गाड़ी को रिलीज करने के लिए रिपोर्ट भेजने के एवज में 5,000 रुपये की मांग की गई थी। उनके शिकायत के सत्यापन का कांड दर्ज किया गया था और आज छापामारी की गई है और उनको जो है संग्रामडी टोली थाना क्षेत्र के संग्रामडी मोड़ के पास से 5,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टोली थाना परिसर में जो उनका आवासीय जो रूम था उसकी भी तलाशी ले गई है, लेकिन वहाँ पर से कुछ बरामद नहीं होगा। टुंडी थाना का प्रभारी था, नहीं सब इंस्पेक्टर सब शिकायत करता का नाम क्या है? सद्दाम हुसैन। कहाँ रहते हैं वो? गादी टुंडी। इस पूरे मसले पर जो अधिकारी हैं जिनको पकड़ा गया उनका क्या कहना है? उनकी कोई अभी तक बयान नहीं है सामने। इस संबंध में अब उनका कुछ पकड़े गए व्यक्ति तो अपने को निर्दोष ही बताते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।